हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज को मैं एक बार फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो के साथ। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है एमसी स्टैन स्टैनी आर्मी के लिए। तो चलो बिना लेट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं गाना कैसा है और रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्ले द सॉन्ग, लेट्स गो। सो 1 2 3 गो। पहले तो यार मुझे एक बात बोलनी है कि ये जो फोटो लगा है ना पीछे, ये बहुत सही लगा हुआ है। मतलब एक तरफ एंजल वाला और एक तरफ डेविल वाला, तो एक इंसान के अंदर दोनों ही चीज होती है। ये फोटो ये बता रहा है कि एक साइड उसका अच्छा है, एक साइड बुरा होता है। सो वेरी नाइस दिमाग जिसने भी लगाया ना ये चीज का, और ये फोटो जो है बहुत सही मैसेज है। सो वेरी नाइस, लेट्स गो। गाना कंटिन्यू करते। मेरे को प्यार मेरे देश से, हम लोग आना वैसे ही मानने बेचते। मैंने लात नहीं मारा किसके पेट पे, मेडिटेशन करा मैंने, रखा मैंने पेशेंस। मेरी माँ ने बोली रैप मत कर, मत कर, उकाले रुका अलग रहता कर। पहले वाली लाइन मुझे अगेन से सुनी यार, वो बहुत सही लग रहा था। मैंने बेचते, मैंने लात नहीं मारा किसके पेट पे, मेडिटेशन करा मैंने, रखा मैंने पेशेंस। मेरी माँ ने बोली रैप मत कर, मत कर, उकाले रुका अलग रहता कल्चर, कल्चर। आज नहीं मैं छोड़ सकता कल पर, कल पर, स्टैन गो ने गूगल पे। अगेन से लाइन सुनिए। रखा मैंने पेशेंस, मेरी माँ ने बोली रैप मत कर, मत कर, उकाले रुका अलग रहता कल्चर, कल्चर। आज नहीं मैं छोड़ सकता कल पर, कल पर, स्टैन गो ने गूगल पे सर्च कर, क्या करा मैं। ट्रू भाई, स्टैन गो ने गूगल पे सर्च, नहीं इंसान क्या सोचता ये, उकाले रुका अलग रहता कल्चर, कल्चर। आज नहीं मैं छोड़ सकता कल पर, कल पर, स्टैन गो ने गूगल पे सर्च कर, क्या करा मैंने। इंसान क्या सोचता ये वर्ड किसने बनाया, और वो पहला इंसान कौन था। आदम और ईव की तरह मैं भी सोचता, भरोसा नहीं किस चीज का, भरोसा सिर्फ मौत का। क्या था ये लाइन, सर्च कर, क्या करा मैंने। इंसान क्या सोचता ये वर्ड किसने बनाया, और वो पहला इंसान कौन था। आदम और ईव की तरह मैं भी सोचता, भरोसा नहीं किस चीज का, भरोसा सिर्फ मौत का। जिंदा रहने के लिए मैं रोज वजह ढूंढता, अपने माँ बाप को छोड़ के तू दूसरों का सुनता। मरने के बाद असली दिमाग तेरा खुलता, इंसान है मतलब ही मतलब से ढूंढता। सोच के ये सब होता अपना दिमाग, ये सब सोच के इंसानियत को योगदान दिया वो लोग कौन थे। डोपामाइन रिलीज होते, खड़े होते रोंगटे, सिक्स क्लास में मालूम गिरा बच्चा होता सेक्स से। इन लोग ने चाल के, ये सब होता अपना दिमाग, ये सब सोच के इंसानियत को योगदान दिया वो लोग कौन थे। डोपामाइन रिलीज होते, खड़े होते रोंगटे, सिक्स क्लास में मालूम गिरा बच्चा होता सेक्स से। इन लोग ने चालू करा लगेज मेरा देख के, 5 मिनट में भूल जाते जिसको करा फोन पे। करा मैंने सबके लिए, दिखा था नहीं बोल के, इसमें करना चाहता लेकिन कैसे करूँ मैं। प्यार बीच में आता है इसलिए प्यार करूँ मैं। पढ़वे देखो मालूम नहीं तू औकात मेरे, लड़की पे लिखते नहीं तू मन गए लेके। ये हार्टलेस दुनिया में क्या करूँ मैं, पेट जो गली है पन प्रे करूँ मैं। लोग मेरे को बोलते मेरे गाने आते ले, एक सेकंड भाई मेरे को सुनना है बोलाई करूँ मैं। पढ़वे देखो मालूम नहीं तू औकात मेरे, लड़की पे लिखते नहीं तू मन गए लेके। ये हार्टलेस दुनिया में क्या करूँ मैं, पेट जो गली है पन प्रे करूँ मैं। लोग मेरे को बोलते मेरे गाने आते ले, ये ले ब्रो एल्बम और रो सुनते भरे। आ,
No more dog, fuck ya, take your ass, you know. तो यार मेरे को गाना बहुत अच्छा लगा, गाने की जो लाइन थी, गाने का जो कॉन्सेप्ट था, गाने का जो मैसेज था वो सभी बहुत क्लियर था। मेरे को लगा यार वो फोटो देख के लगा कि कुछ कुछ एंजल और डेविल के बीच का होने वाला, मतलब वो बताया जाएगा गाने में शायद से। प्रोफाइल देख के लगा वो, मैं बोली ना स्टार्टिंग में कि ये दो चीज़ ऐसा मुझे फील करा रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है उसको देख के, तो वो चीज़ बहुत सही था। तो और गाने में भी ट्रू भाई ट्रू, गाने में भी वही चीज था कि सही था मैसेज जो भी था, तो गाने में भी वही था कि इंसान का वो दोनों की तरह सोचता है और ये इंसान की सोच पे गाना लिखा गया। इंसान मतलब है अपने मतलब का ही सोचता है और उसी के पीछे भागता है, तो गाने का लाइन भी बिल्कुल सही था और गाने का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत सही लगा, जो मैसेज था गाने के थ्रू वो बहुत सही था, तो मुझे गाना बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग को भी अच्छा लगा है तो फिर जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, है ना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पे। तो और भी आप लोग के जो भी सॉन्ग रिएक्शन के लिए है ना रिकमेंडेड, तो वो आएंगे यार, थोड़ा सा लेट हो रहा है इसके लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रख लो। सो आई एम सो सॉरी यार, मेरा ना फोन बीच में ऑफ हो गया और मैं रिएक्शन एंड ही करने वाली थी और वो ऑफ हो गया, वो क्लिप कट हो गया, तो ये वाला क्लिप मुझे एंड में लास्ट में लगाना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, ऐसे मुझे करना पड़ रहा है, बट क्या करूं, मैं गाना पूरा सुन चुकी थी, बाद में फिर रिएक्शन करूंगी तो वो वाला रिएक्शन नहीं आ पाएगा ना, तो इसलिए मुझे ऐसे ही डालना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी यार, मेरा फोन ऑफ हो गया था इसलिए बीच में वीडियो कट गया और मुझे अभी ये वाला इसके बाद ऐड करना पड़ेगा। तो गाना बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, रिएक्शन आप लोग देख ही चुके हो, तो जिसको भी अच्छा लगा जल्दी से चैनल को लाइक कर दो, अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, है ना, और जो भी आपको और रेकमेंड सॉन्ग करने हैं कर दो बस जल्दी जल्दी से। और चलो मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।